हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने खुद के चैनल टेक वीडियोपीडिया पे। टेक वीडियोपीडिया के ऊपर अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट के ऊपर, कि फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट के ऊपर होना क्या है, उसके बिल्कुल स्क्रैच से लेके एक्सपर्ट लेवल तक आपको लेके जाने वाले हैं। अभी तक के वीडियोज़ के अंदर हम ये डिस्कशन कर चुके हैं कि वेबसाइट डेवलपमेंट होता क्या है और एक वेबसाइट क्या होती है, वेबसाइट डेवलपमेंट के अंदर कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ में आती हैं और वेबसाइट के कितने तरह के टाइप्स होते हैं और उनके बीच में डिफरेंसेस क्या होते हैं, ये सब हम डिस्कशन कर चुके हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि एक वेबसाइट को बनाने के लिए कौन कौन से कंपोनेंट जरूरी होते हैं, या एक वेबसाइट जो होती है कितने कंपोनेंट से मिलकर के बनी होती है, कौन कौन सा उनका इंपॉर्टेंट रोल होता है और क्या क्या होते हैं। तो इन सबको जानने के लिए वीडियो से लास्ट तक बने रहिए, और अगर अभी चैनल पर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं वेबसाइट कंपोनेंट से। वॉट आर द कंपोनेंट्स ऑफ वेबसाइट, मतलब एक वेबसाइट किन किन कंपोनेंट से मिलकर के बनी होती है, वो सब हम उस सबको डिस्कस करना है कि वेबसाइट के कितने तरीके पार्ट्स होते हैं। जैसे कि उसके अंदर बोला जाता है कंपोनेंट की वेबसाइट के ऊपर होस्टिंग स्पेस, एड्रेस, होम पेज, वेब पेज डिजाइन, वेब पेज कंटेंट एंड नेविगेशन स्ट्रक्चर। तो मतलब टोटल मिला के हमारे पास में 6 कंपोनेंट है जिनसे की कंप्लीट वेबसाइट बनती है। इसके अंदर आप वेबसाइट का नाम से लेकर के वेबसाइट का फाइनल डिप्लॉयमेंट जहां से हम एक्सेस कर सकते हैं वो सब कुछ इसके अंदर इंक्लूड हो गया है। सबसे पहले आता है होस्टिंग स्पेस। होस्टिंग स्पेस क्या होता है, जहां पे हमारी वेबसाइट को हम होस्ट करते हैं। प्रीवियस वीडियोस के अंदर हमें कुछ टर्म यूज करें कि सर्वर, या फिर जब वेबसाइट को पब्लिश करने के बाद जहां पे हम होस्ट कर देते हैं कोई ऐसी पर्टिकुलर लोकेशन जो कि इंटरनेट से कनेक्टेड होती है, वहां पे हम एक मशीन से हम कनेक्टेड होते हैं तो वहां पे हम स्पेस ले लेते हैं, वो होता है होस्टिंग स्पेस। एड्रेस, जैसे हमारे घर का कोई ना कोई नाम होता है उसी तरीके से पर्टिकुलर वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए उसको कोई ना कोई नाम होगा कि किस पर्टिकुलर नाम के थ्रू उसको हम एक्सेस कर सकते हैं। होम पेज, जब भी हम किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करते हैं तो बाय डिफॉल्ट उसका जो फर्स्ट पेज एक्सेस होता है उसको हम होम पेज कहते हैं, या फिर उसको इंडेक्स पेज बोल देते हैं, या फिर डिफॉल्ट पेज भी हम बोल देते हैं। वेब पेज डिजाइन क्या होता है, वेब पेज डिजाइन मतलब कि एक पर्टिकुलर वेब पेज, वेबसाइट क्या होती है कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, तो एक पर्टिकुलर वेब पेज का डिजाइन कैसा होगा, उसका लेआउट किस तरीके से डिस्प्ले होगा, उसके अंदर कंटेंट को किस तरीके से हम सेट कर सकते हैं, ये सब कुछ हम वेब डिजाइनिंग के अंदर बोलते हैं। अब आता है वेब पेज कंटेंट। एक वेब पेज की डिजाइनिंग तो हमने कर ली कि इस तरह का कंटेंट यहाँ पे होना चाहिए, कि अगर ये कंटेंट होगा तो उसको एक पर्टिकुलर वेब पेज के किस पोर्शन में कैसा कंटेंट दिखाना है, ये सब कुछ वेब डिजाइनिंग के थ्रू सेट कर देते हैं। लेकिन उस डिजाइन के अंदर कौन सा कंटेंट शो करना है ये कंटेंट क्या डिफाइन होता है, जो वेब पेज कंटेंट होता है। अब एक वेबसाइट के अंदर मल्टीपल वेब पेजेस होते हैं, अब एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज के ऊपर या एक वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट के ऊपर कैसे जाएं, ये सब कुछ हम नेविगेशन के थ्रू डिसाइड करते हैं। तो नेविगेशन स्ट्रक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो कितने कंपोनेंट्स होते हैं वेबसाइट्स के, होस्टिंग स्पेस, एड्रेस, होम पेज, वेब पेज डिजाइन, कंटेंट एंड नेविगेशन स्ट्रक्चर। अब इन सबको हम पर्टिकुलरली लॉजिकली मतलब टेक्निकल टर्म्स के अंदर क्या इनकी डेफिनेशंस होती है, उनका पर्पस क्या होता है वो देखते हैं। तो आगे व्हाट इज वेब होस्टिंग स्पेस, जो हमने बात करी होस्टिंग स्पेस की वो होता है वेब होस्टिंग स्पेस या वेबसाइट होस्टिंग स्पेस, या हम ये बोल सकते हैं सर्वर का स्पेस या फिर वेब पैनल बोल देते हैं। वेब होस्टिंग इज एन ऑनलाइन सर्विस दैट इनेबल्स यू टू पब्लिश योर वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन ऑन द इंटरनेट। तो वेब होस्टिंग क्या होती है, आपकी एप्लीकेशन या वेबसाइट आपने बना तो ली है आपके लोकल सिस्टम के ऊपर लगी, लेकिन जब तक आप उसको इंटरनेट से कनेक्ट नहीं करेंगे तब तक आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते अपने सिस्टम से बाहर। तो क्या होता है, वेब होस्टिंग एक ऑनलाइन सर्विस होती है जो कि आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करवाती है कि आप अपने वेब पेजेस को या अपनी वेबसाइट को पब्लिश कर सकते हैं ओवर द इंटरनेट। वेब होस्टिंग सर्विस मीन्स टेक सम स्पेस ऑन रेंट ऑन अ फिजिकल सर्वर वेयर यू कैन स्टोर ऑल द फाइल्स एंड डेटा नेसेसरी फॉर योर वेबसाइट टू वर्क प्रॉपरली। इसको मैं समझते हैं, मान लीजिए आप एक बिल्डिंग के अंदर रहते हैं, तो एक बिल्डिंग के अंदर हो सकता है कि 100 फ्लैट्स हैं, तो आप एक किसी पर्टिकुलर फ्लैट के अंदर ही रहते हैं, एक पर्टिकुलर फ्लैट के आप रेंट पे भी रह सकते हैं, उसको परचेज भी कर सकते हैं। लेकिन होस्टिंग की दुनिया के अंदर जब हम वेबसाइट होस्टिंग की बात करते हैं तो हमारे पास में जो सर्वर स्पेस होता है, सर्वर कहाँ पे होता है, पर्टिकुलर डेटा सेंटर के ऊपर होता है। डेटा सेंटर के बाद में बहुत सारे कंप्यूटर रखे होते हैं, अभी बहुत सारी मशीनें रखी होती हैं, या फिर हमारे पास उसके पास में बल्क में होस्टिंग स्पेस होता है, उसको आप एक्सेस कर सकते हैं। तो आप उस पर्टिकुलर स्पेस में से कितना स्पेस आप अपने लिए चाहते हैं वो आप रिजर्व करवा सकते हैं उस पर्टिकुलर डेटा सेंटर पे। आप अपना खुद का भी सर्वर बना सकते हैं, लेकिन प्रिफरेबल यही होता है कि आप कहीं ना कहीं से रेंट के ऊपर ले लेते हैं, क्योंकि डेटा सेंटर को
सेटअप करना, मैनेज करना वेबसाइट डेवलपमेंट से कहीं ज्यादा टफ टास्क होता है। इसलिए वेबसाइट को होस्ट करने के लिए हमेशा रेंट के ऊपर स्पेस लेते हैं, उसको हम वेब होस्टिंग स्पेस बोलते हैं, जो कि 99% रेंट पे लिया जाता है। खुद के डेटा सेंटर्स बहुत ही कम कंपनीज या फिर बहुत ऐसे लोग, कम लोग ऐसे होते हैं जो कि बना पाते हैं। अब आती है व्हाट इज वेबसाइट एड्रेस। वेबसाइट एड्रेस जैसे हमारे घर का कोई ना कोई एड्रेस होता है कि भाई घर का कोई ना कोई नाम होता है जिसके ऊपर हम एक्सेस कर सकते हैं, तो उसी तरीके से वेबसाइट का भी होता है कि वेबसाइट एड्रेस नॉन एज ए यूआरएल। वेबसाइट के एड्रेस को क्या बोलते हैं कि यूआरएल। यूआरएल की प्रॉब्लम क्या होती है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर मतलब कि वर्ल्ड वाइड आपके उस पर्टिकुलर एड्रेस से आप कहीं पे भी उसको एक्सेस कर सकते हैं, अगर कोई भी सिस्टम आपको कंप्यूटर से कनेक्टेड है तो। जैसे अगर आपका कोई नाम है, आप 100% में से आपको आइडेंटिफाई करना तो आपके नाम को बोला जाएगा। उसी तरीके से वेबसाइट का भी एक पर्टिकुलर नाम होता है जिसको हम डोमेन बोलते हैं। डोमेन क्या होते हैं, सब डोमेन क्या होते हैं, ये भी हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन डोमेन ही वेबसाइट का एड्रेस होता है। ए वेब एड्रेस और यूआरएल इज वेबसाइट स्पेसिफिक लोकेशन ऑन द वेब। वेब की दुनिया बहुत बड़ी है, अरबों खरबों या फिर आप कह सकते हो कि ट्रिलियंस ऑफ वेबसाइट बन चुकी होंगी, मिलियंस ऑफ वेबसाइट के अंदर होंगी। उनमें से आपकी पर्टिकुलर वेबसाइट का एक्सेस हम पर्टिकुलर यूआरएल के थ्रू ही कर सकते हैं, क्योंकि आपका एक हर एक यूआरएल किसी ना किसी आईपी एड्रेस के थ्रू एसोसिएटेड होता है, और उस आईपी एड्रेस के थ्रू ही आप अपने कंटेंट को एक्सेस कर सकते हैं। आईपी एड्रेस क्या होता है, आईपी एड्रेस होता है इंटरनेट की दुनिया के अंदर जब भी हम किसी भी पर्टिकुलर सिस्टम को या फिर डिवाइस को एक्सेस करते हैं तो उसका एक यूनिक एड्रेस होता है, उसको बोलते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, आईपी एड्रेस। आपकी वेबसाइट का नाम या वेबसाइट का एड्रेस या फिर बोल देते हैं यूआरएल पर्टिकुलर किसी ना किसी आईपी एड्रेस के साथ में एसोसिएटेड होता है, उस आईपी एड्रेस के साथ में आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो वेब एड्रेस को एक्सेस करने के लिए आपके पास में पर्टिकुलर लोकेशंस होती हैं जो कि आप इंटरनेट से कनेक्टेड होना जरूरी होता है। यूआरएल रेफर टू ए लोकेशन वेयर ए फाइल डायरेक्टरी और वेबसाइट पेज इज होस्टेड ऑन द इंटरनेट। अभी बार बार हम बोले यूआरएल यूआरएल, जब हम बोल रहे हैं कि आईपी एड्रेस के साथ में आपको एड्रेस एसोसिएट होता है तो हम डायरेक्ट आईपी एड्रेस के थ्रू ओपन क्यों नहीं कर सकते। आईपी एड्रेस के थ्रू भी आप अपनी वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं अगर आपको आईपी एड्रेस पता है तो। लेकिन एक तो आपका नाम याद रखना बहुत ईजी होता है कि जैसे कि मान लीजिए techwikipedia.com एक वेबसाइट का नाम है जो कि हमारा खुद की है। अब techwikipedia याद रखना बहुत ही ईजी है, लेकिन techwikipedia का पर्टिकुलर आईपी एड्रेस क्या होगा, उसके जो 111.111.111.2 ऐसे कुछ आपको याद रखना पड़ेगा कि ये पर्टिकुलर आईपी एड्रेस है, जो कि हर किसी को याद नहीं रह सकता। तो आप उसके आपको नाम बता देते हैं कि भाई इस पर्टिकुलर नाम से आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो क्या होता है, वेबसाइट का जो एड्रेस होता है उसको बोलते हैं यूआरएल, और यूआरएल पर्टिकुलर आईपी एड्रेस के साथ में एसोसिएटेड होता है जो कि वर्ल्ड वाइड दुनिया के अंदर कहीं पे भी इंटरनेट से कनेक्टेड सिस्टम के साथ में उसको एक्सेस कर सकते हैं। अब आता है व्हाट इज वेबसाइट होम पेज। देखिए अब वेबसाइट को आपने होस्ट कर दिया, वेबसाइट का आपका नाम भी डिफाइन कर दिया, अब बात आती है कि व्हाट इज वेबसाइट होम पेज। तो जब आप पर्टिकुलर एड्रेस को ब्राउजर के अंदर एंट्री करते हैं, पर्टिकुलर आईपी एड्रेस को जब आप पिंग करते हो या फिर एक्सेस करने का ट्राई करते हो, तो जो सबसे पहले जो पेज आपको खुलता है वो होता है वेबसाइट का होम पेज। अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर होम पेज नहीं है तो आपकी वेबसाइट एक्सेस नहीं होती, हमेशा आपको नॉट फाउंड बोलेगी, नॉट फाउंड नॉट फाउंड। जैसे मान लीजिए कि घर के अंदर कोई लीडर होता है, हर घर का कोई ना कोई ओनर होता है, अगर घर पे ओनर नहीं होता तो कोई अगर बाहर से पूछेगा, पिंग करेगा कोई ये है क्या, तो हम क्या बोले वो अभी अवेलेबल नहीं है। सेम उसी तरीके से वेबसाइट के अंदर भी जब पर्टिकुलर वेबसाइट के डायरेक्ट एड्रेस के साथ में एक्सेस करते हैं तो अगर होम पेज अवेलेबल नहीं होता तो बोलता है रिसोर्स नॉट फाउंड और आपको लगता है कि वेबसाइट डंप पड़ी हुई है। तो क्या होता है, वेम एक होम पेज इज द डिफॉल्ट और फ्रंट पेज ऑफ वेबसाइट। होम पेज के अंदर कोई डिफरेंस नहीं होता, जैसे नॉर्मल वेब पेजेस होते हैं वैसे ये भी वेब पेज होता है, लेकिन इसको हम डिफॉल्ट सेट कर देते हैं जब इस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस के ऊपर कोई बंदा जाएगा या फिर यूआरएल को एक्सेस करेगा तो वो पर्टिकुलर यही पेज ओपन होगा। इट इज द नेम ऑफ ए वेबसाइट मैन पेज, इसको हम डिफॉल्ट पेज भी बोलते हैं, इसको मैन पेज भी बोलते हैं और होम पेज भी बोलते हैं। होम पेज इज द इनिशियल पेज दैट विजिटर्स सी व्हेन दे विजिट ए वेबसाइट। तो होम पेज क्या हुआ, जैसे ही आपकी वेबसाइट का एड्रेस ट्रेस होगा या फिर उसको लोड होगा तो सबसे पहले जो पेज दिखता है उसको हम वेबसाइट का होम पेज बोलते हैं। बात है कि व्हाट इज वेब पेज डिजाइन। अब हमने ये तो बोला कि वेबसाइट क्या होती है, कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस होती है। अब वेब पेजेस के अंदर क्या होता है कि वेब पेज को पर्टिकुलर को डिजाइन करना पड़ता है, ये सेम उसी तरीके से आप मान सकते हैं घर के अंदर हमारे पास 10 रूम है तो हर रूम का डिजाइन अलग भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है पैटर्न। तो वो जो वेब पेज को डिजाइन करने की जो बात है उसको हम वेब पेज डिजाइन बोलते हैं। वेब पेज डिजाइन में क्या होता है,
वेब पेज डिजाइन एंश्योर वेब पेज अपीयरेंस लेआउट एंड इन सम केसेस कंटेंट, मतलब कि आपका वेब पेज कैसा दिखने वाला है, उसका लेआउट कैसा होगा, उसके ऊपर कंटेंट क्या डिस्प्ले होगा, ये सब कुछ हम वेब पेज डिजाइन के अंदर देखते हैं। अपीयरेंस रिलेटेड टू द कलर्स टाइपोग्राफी एंड इमेजेस यूज्ड, मतलब कि आपके वेब पेज के लुक एंड फील को बेटर करने के लिए आप इसके थ्रू कर सकते हैं कि आपका जो कंटेंट या टेक्स्ट आपने टाइप करा हुआ है वो किस फॉन्ट के अंदर टाइप करना है, उसका कलर कौन सा रखना है, जो इमेजेस जिस तरह की यूज होनी है, वो सब कुछ डिजाइनिंग के अंदर आता है। लेआउट रेफर्स टू हाउ इंफॉर्मेशन इज स्ट्रक्चर्ड एंड कैटेगराइज्ड। अब एक वेब पेज के ऊपर ऐसा नहीं हो सकता कि केवल हम एक इन्फॉर्मेशन शेयर करें, जैसे मान लीजिए अबाउट अस का पेज होगा तो उसके अंदर हो सकता है कि पर्टिकुलर जिसके बारे में बता रहे हैं उस बंदे की कोई ना कोई फोटोग्राफी होगी, फोटो लगी होगी, उसका नाम लिखा हुआ होगा, उसका पर्सनल डिटेल लिखी होगी, उसकी प्रोफेशनल डिटेल लिखी हुई होगी, उसके लाइफ की जर्नी लिखी हुई होगी, ये सारे कंपोनेंट्स को या फिर ये सारे कंटेंट को कहाँ कहाँ पर हम सेट करना होगा, ये सब कुछ हम लेआउट के अंदर डिफाइन करते हैं। ए वेल डिजाइंड वेब पेज इज सिंपल एंड कम्युनिकेट क्लियरली टू अवॉइड कंफ्यूजन। तो वेब पेज डिजाइन इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि वेब पेज के ऊपर कंटेंट तो आपका बहुत सारा है, लेकिन जब तक वो क्लियर और अंडरस्टैंडेबल नहीं होगा कि किसी को भी समझ में आ सके आप इसको तो क्या कहना चाहते हैं, कौन सा कंटेंट कहाँ पे अवेलेबल है, तब तक वो हमेशा कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। तो एक अच्छी वेब पेज की जो डिजाइन होती है वो सारे प्रॉब्लम्स को सोल्व कर देता है। तो क्या होता है, ए वेल डिजाइंड वेब पेज इज सिंपल एंड कम्युनिकेट्स क्लियरली टू अवॉइड कंफ्यूजिंग, मतलब किसी भी विजिटर को कंफ्यूजन पैदा नहीं करता है, सिंपल तरीके से समझ में आता है कि इस वेब पेज के ऊपर क्या अवेलेबल है। अब वेबसाइट के लेआउट सेट हो गया, अपीयरेंस सेट हो गया, किस तरह का कलर यूज करना है, कौन सा टाइप यूज करना है, और स्ट्रक्चर पता लगे कहाँ पे क्या शो करना है। अब उसके बाद में आता है कि जो चीज शो करने की बात कर रही है या फिर जो भी हम टेक्स्ट वगैरह जो टाइप करने की बात कर रहे हैं वो होता है कंटेंट। तो क्या होता है, वेब कंटेंट रेफर टू द टेक्स्टुअल ओरल और विजुअल पब्लिश्ड ऑन ए वेब पेज। एक वेब पेज के ऊपर दिखने वाला सारा मटेरियल, चाहे वो टेक्स्ट हो, चाहे वो इमेजेज हो, चाहे फिर उसके ऊपर कुछ हाइपरलिंक्स हो, या फिर कुछ वीडियोग्राफी हो, या फिर ऑडियो चल रहे हो, ये सारा कुछ उसका कंटेंट होता है। कंटेंट मीन्स एनी क्रिएटिव एलिमेंट, फॉर एग्जाम्पल टेक्स्ट, एप्लीकेशन, इमेजेज, ईमेल मैसेजेस, डेटा, ई सर्विसेज, ऑडियो एंड वीडियो फाइल एंड सो ऑन, मतलब जिस तरह की इन्फॉर्मेशन भी आप वेब पेज के ऊपर शो कर रहे हैं या शो करना चाहते हैं वो सारा कुछ कंटेंट के अंदर आता है। वेब कंटेंट इज द की बिहाइंड ट्रैफिक जनरेशन टू वेबसाइट। अब देखिए, वेबसाइट हम बनाते हैं क्योंकि जनरली किसी ना किसी का कोई बिजनेस होता है, बिजनेस को वर्ल्ड वाइड ले जाने के लिए ही हम अपनी वेबसाइट डेवलप करवाते हैं या फिर अपने नाम को जगह जगह तक पहुंचाने के लिए वेबसाइट बनवाते हैं। तो आप उसके ऊपर जिस तरह का कंटेंट डालेंगे तो कंटेंट को देख करके ही लोग आपकी प्रोफाइल को या फिर आपके वेब पेज को विजिट करते हैं। तो जितना अच्छा कंटेंट होगा आपका ट्रैफिक भी या आपके वेब पेज को विजिट करने वालों की नंबर ऑफ यूजर्स भी उतने ही ज्यादा होंगे। तो ट्रैफिक जनरेशन के अंदर जो की रोल प्ले करता है वो होता है वेब कंटेंट। वेब कंटेंट इज द की बिहाइंड ट्रैफिक जनरेशन टू वेबसाइट। और जब बोलते हैं किसी भी वेब एप्लीकेशन को सक्सेसफुली रन करा रहे हैं कि नहीं करा रहे हैं, ये बहुत कुछ वेब पेज के कंटेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अब आता है कि व्हाट इज वेबसाइट नेविगेशन स्ट्रक्चर। नेविगेशन स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट क्या है, एक वेबसाइट के अंदर मल्टीपल वेब पेजेस हैं, अब एक पेज से दूसरे पेज के ऊपर कैसे जाना है, उनका आपस में लिंक क्या है, या एक पर्टिकुलर डायनामिक वेबसाइट की जब हम बात करते हैं तो उसके अंदर कुछ ना कुछ डेटा को फॉर्म फिलअप करने के बाद में डेटा इंसर्ट होगा, इंसर्ट होने के बाद डेटा वापस में कहाँ पे शो होगा, ये सब कुछ नेविगेशन स्ट्रक्चर डिपेंड करता है कि आपकी पूरा पार्ट डिपेंड करता है आप पूरी एप्लीकेशन को किस तरीके से विजिट कर सकते हैं। जैसे कि हम रोड पर चलते हुए देखते हैं कि हमारे पास में साइन बोर्ड लगे होते हैं, यहाँ जाने पर यह होगा, यहाँ जाने पर यह होगा, उसी तरीके से नेविगेशन स्ट्रक्चर आपको ये बताता है कि पर्टिकुलर लिंक के ऊपर क्लिक करने पर आप किस पेज के ऊपर जा सकते हो। तो वेबसाइट नेविगेशन इज ए कलेक्शन ऑफ यूजर इंटरफेस कंपोनेंट दैट अलाउ विजिटर टू फाइंड कंटेंट एंड फीचर्स ऑन अ वेबसाइट। मतलब कि आपकी वेबसाइट पे कौन सा कंटेंट कहाँ पे अवेलेबल है या पर्टिकुलर किस तरह का कौन सा फीचर है जो कहाँ से एक्सेस हो सकता है, ये सब कुछ आपको वेबसाइट नेविगेशन के थ्रू पता लगता है। These components can be in the form of copy, link, text, button and menu. ये सब कुछ HTML के parts हैं, ये सब कुछ उसके अंदर study करेंगे, तो ये सब कुछ अलग अलग तरीके से हम इनके through access कर सकते हैं। There are two kinds of link you might use for website and navigation. Website के navigation के लिए हमारे पास में दो तरह के links होते हैं, तो internal link और दूसरा होता है external link. Internal link वो होता है अगर हमें अपनी खुद की वेबसाइट जो कि जैसे मान techvideopedia.com या किसी भी वेबसाइट के ऊपर या किसी भी कंटेंट को एक्सेस करना है तो वो जो लिंक के थ्रू होगा वो होगा इंटरनल लिंक। और techvideopedia.com से मान लीजिए कि हमें जाना है clr info
infotech.com के ऊपर, तो वो एक एक्सटर्नल लिंक क्रिएट हो जाएगा। इंटरनल लिंक कनेक्ट टू पेजेस विद इन द सेम वेबसाइट एंड एक्सटर्नल लिंक कनेक्ट टू अदर वेबसाइट। ओके,